मेरे कलेजे के टुकड़े जैसे युवा मित्र, काम नहीं कहते,
इसको कारनामा कहते हैं। आपके शासन में कोई काम नहीं हुआ है मित्रों। अब बहन जी आ गई है, 5 साल बुआ जाती है, भतीजा आता है, भतीजा जाता है, बुआ आ जाती है। अब बहन जी कहती है कि हम उत्तर प्रदेश को गुंडा राज से मुक्त बनाएंगे। अरे बहन जी, आपके प्रत्याशी तो आपकी जगह मुख्तार अंसारी की फोटो लेकर घूम रहे हैं, आपके हाथी की जगह अफजल अंसारी की फोटो लेकर घूम रहे हैं। और आप कहती हो कि हम उत्तर प्रदेश को गुंडागर्द से मुक्त दिलाएंगे। भाइयों बताओ, भाइयों बताओ, जिस पार्टी में अफजल अंसारी और मुख्तार अंसारी हो, वो पार्टी गुंडा राज से मुक्त शासन दे सकती है क्या? दे सकती है। जिस पार्टी में आजम खान और अतीक अहमद हो, वो पार्टी गुंडा राज से मुक्त शासन दे सकती है क्या? तो भैया बसपा भी नहीं दे सकती, सपा भी नहीं दे सकती, तो कौन दे सकता है? जरा जोर से बोले, कौन मोर दे सकता है? मित्रों, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही उत्तर प्रदेश में गुंडों से मुक्त सरकार दे सकती है, गुंडों से मुक्त सरकार दे सकती है। मित्रों, अभी ये अखिलेश जी कहते थे कि मोदी जी अच्छे दिन कब आएंगे। अरे भाई, आप चंदौली के युवा बताओ मुझे, इस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? कौन है? 5 साल किसने राज किया? तो अच्छे दिन किसको आने चाहिए? अब ये तो हमें पूछते हैं, इसका मतलब ये तो ला ही नहीं पाए मित्रों कि अखिलेश हमें पूछता है कि अच्छे दिन कब आएंगे। अखिलेश को जवाब दे दूं क्या? तो सुन लो चंदौली वालों, 11 मार्च को मतगणना है, 8 बजे मतगणना शुरू होगी, 9 बजे 5 राउंड समाप्त होंगे, 10 बजे 10 राउंड समाप्त होंगे, 12 बजे मतगणना समाप्त होगी, 1 बजे अखिलेश सरकार समाप्त हो जाएगी। हमारे सारे प्रत्याशी विधायक बनकर लखनऊ पहुंचेंगे और 1 बजे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश बाबू सुन लो और कलम कागज लेकर लिख लो, मैं तिथि भी बताता हूं और समय भी बताता हूं, 11 मार्च 2017 को दोपहर 1 बजे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश के अच्छे दिन आएंगे। मित्रों, अभी हम तो एक से ही परेशान थे, यूपी वाले एक से ही परेशान थे ना भैया, हम तो हो गए हैं। हम तो ताजा में देखते हो ना, टेलीविजन पर देखते हो ना, एक दो आजादे कैसे हैं मैं बताऊं आपको? बताओ। देखो भाई, एक से अपनी मां परेशान है और दूसरे से अपना बाप परेशान है और ये दोनों से उत्तर प्रदेश परेशान है। मित्रों, ये दो आजादे उत्तर प्रदेश को अच्छा शासन नहीं दे सकते। अरे अखिलेश, ये उत्तर प्रदेश तो समस्याओं का दरिया है, दरिया इसको लांगने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा जो तेरे पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ही आज की सरकार दे सकती है। मित्रों, अभी अभी राहुल बाबा बड़े कैश में आ जाते,
समाधान हो गया, उनको लगता है चुनाव समाप्त हो गया। चार इंटरव्यू आए, उनको लगता है चुनाव समाप्त हो गया। बड़े देश में आ जाते हैं, जोर जोर से बोलते मोदी जी बताओ ढाई साल हो गए आपने क्या किया। अरे राहुल बाबा आप मोदी जी का हिसाब पूछते हो। अरे राहुल बाबा मैं आपको पूछना चाहता हूं आपकी परिणामी, अरे आपके परिणामा जवाहरलाल जी ने यहां शासन किया, आपकी नानी इंदिरा जी ने किया, आपके पिता राजीव गांधी ने किया, आपकी माता सोनिया गांधी ने किया। 60 साल तक इस देश पर आपके परिवार ने शासन किया। ये मेरे चंदौली के युवा पूछना चाहते हैं, ये 60 साल का हिसाब पहले आप दीजिए भैया राहुल, आप दीजिए। 60 साल गरीब के घर में पानी नहीं पहुंचा, गरीब के घर में शौचालय नहीं पहुंचा, गरीब के घर में बैंक अकाउंट नहीं पहुंचा, गरीब के घर में बिजली नहीं पहुंची और गरीब के घर में गैस का चूल्हा भी नहीं पहुंचा। हमने तो 2 ही साल के अंदर 2 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का चूल्हा मुफ्त में पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया। अकेले चंदौली जनपद के अंदर 95,000 माताओं को गैस का चूल्हा देने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया है। ये नरेंद्र मोदी जी का हिसाब मांगते मित्रों, अब ये हिसाब मांगते तो मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए बताओ। देना चाहिए ना, देना चाहिए ना। देखो हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद 2.5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 93 योजनाएं बनाई, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, पिछड़ों के लिए, दलित के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मगर योजनाएं आप तक नहीं पहुंची क्योंकि बीच में एक निकम्मी समाजवादी पार्टी की सरकार बैठी है जो योजनाओं को पहुंच नहीं देते। मित्रों ये राहुल बाबा कुछ पूछ करते हैं तो मैं पूरा लिस्ट लेकर आया हूं, मुझे जाना है 5:15 के पहले, मैं जोर से लिस्ट बोलता हूं, आपको लगे अमित भाई बहुत हो गया तो रोक लीजिएगा ताली बजाकर, ठीक है। पढ़ू जोर से पढ़ू ना, जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सांसद आदर्श गांव योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, गरीब कल्याण योजना, जन ज्योति। अरे भाई अभी तो 13 ही हुए है, 13 ही इतने में करते हो, मगर आगे कोई योजना आप तक नहीं पहुंच सकती। मैं आपको बताऊं भैया, एक बड़ा बिजली का कारखाना हो, बिजली उत्पन्न करता हो और एक बड़े हाई टेंशन लाइन से बिजली आपके गांव के ऊपर से जाए तो ट्रांसफॉर्मर के बगैर बिजली आपके गांव में घर में आ सकती है क्या? ट्रांसफॉर्मर चाहिए ना। तो नरेंद्र मोदी सरकार हर रोज योजनाएं बनाकर यूपी भेज रही है, मगर यूपी सरकार नाम का ये लखनऊ में जो ट्रांसफॉर्मर बैठा है ना यूपी सरकार का, ये जल गया है। भाई बताओ ट्रांसफॉर्मर जल जाता है तो क्या करते हैं? अरे ऐसे बोलोगे क्या? क्या करते हैं, क्या करते हैं, पीछे बताओ क्या करते हैं? उखाड़ कर फेंक दो एक समाजवादी पार्टी की सरकार को और दो तिहाई बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। उसको हम 5 ही साल में उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बना देंगे मित्रों, नंबर 1 राज्य बना देंगे मित्रों। ये योजनाओं के अलावे अभी इसी धरती मां के पुत्र हमारे गृहमंत्री राजनाथ जी आए थे मुगल सराय से चकिया तक का 4 लेन रोड बनाए नए के लिए उन्होंने घोषणा करी है। नया सीआरपीएफ का ट्रेनिंग कैंप
यहां खोलने की घोषणा की है, मुगलसराय से चकिया रेल लाइन की भी घोषणा कर दी है। बाकी सब बहुत सारे काम राजनाथ सिंह जी दिल्ली में बैठकर चिंता कर रहे हैं, मगर ये सारे काम तभी हो सकते हैं जब यहां पर नरेंद्र मोदी के अनुकूल सरकार आप चुनकर दे। आपने एक इंजन को बड़ा बना दिया है, 80 में से 73 सीट देकर नरेंद्र मोदी सरकार नाम का एक इंजन बना है, मगर उत्तर प्रदेश विकास के मामले में गड्ढे में गिर गया है। कहां गिर गया है? इंजन बड़ी जोर लगा रहा है, बाहर निकालो यूपी को, बाहर निकालो, बाहर निकालो, मगर ताकत कम पड़ रही है। एक उसके पीछे उत्तर प्रदेश में कमल चाप फूल वाला दूसरा इंजन लगा दीजिए, दिल्ली सरकार और लखनऊ सरकार मिलकर उत्तर प्रदेश को कंधे के बाहर निकाल देंगे। मित्रों आप मुझे बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने वाली है, इसको हर रोज राहुल बाबा सवाल पे सवाल पूछते हैं। अभी उन्होंने पूछा कि मोदी जी हमारे समय में कश्मीर के ऊपर गोलीबारी होती थी और आज भी होती है, क्या फर्क पड़ जाए? अरे राहुल बाबा, आपको फर्क दिखाई नहीं पड़ेगा, आपकी आंख पर इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है। मित्रों मैं बताता हूं क्या फर्क पड़ा। जब आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, सपा बसपा के समर्थन वाली सरकार थी, सोनिया मनोहर की सरकार थी, उस वक्त कश्मीर पर गोलियां चलती थी तो गोली चलाने की शुरुआत पाकिस्तान की सेना करती थी और उसका अंत भी पाकिस्तान की सेना करती थी। मगर आज चंदौली वालों ने बनाई हुई कमल फूल की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, तब गोलीबारी की शुरुआत तो आज भी पाकिस्तान की सेना करती है, मगर उसका अंत हिंदुस्तान की फौज करती है। वहां से गोली आती है, वहां से गोली आती है, यहां से घोड़ा जाता है, इसका जवाब पक्का से दिया जाता है। मित्रों ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश की सीमाओं की सुरक्षा, देश के सम्मान की सुरक्षा कैसे करना यह हमें बहुत अच्छे से आता है। मित्रों ये बहन जी हर जगह पे कहती है कि अखिलेश को हम बदल देंगे। अरे बहन जी आप क्या बदलोगी, उत्तर प्रदेश की जनता ही बदलने वाली है। मगर आप मत खुश होना, अफजाल और मुख्तार के घोड़े पर सवारी करके उत्तर प्रदेश की जनता आपको मौका नहीं देने वाली, इस बार कमल फूल की सरकार बनने वाली है। मित्रों हमने दादा सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी के साथ, अपना दल के साथ, भारतीय जनता पार्टी ने एक गठबंधन किया है और एक गठबंधन पूरे पूर्वांचल के अंदर एक अभेद किला बनकर रहेगा है, अभेद किला बनकर रहेगा है, इसको कोई नहीं हरा सकता। आप मुझे बताइए, आप चाहते हैं यहां दो तिहाई बहुमत से सरकार बने, नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत हो? भैया दो तिहाई बहुमत से सरकार तो बनानी है, मगर 15-20 हजार लोगों से थोड़ी ना बनेगी, तो क्या करोगे? मैं बताओ कितने लोगों के पास मोबाइल है भैया, हाथ खड़ा करो, है ना सबके पास? सभी लोग ये सभा समाप्त होने के बाद 2 घंटे के अंदर 30-30 अपने सगे संबंधियों को, बहन को, बहनों को, चाचा को, चाची को, बुआ को, फूफा को, भाई को, भतीजे को टेलीफोन कर कमल के निशान पर बटन दबाने के लिए कहोगे क्या? कहोगे? मैं कह दूं मोदी जी को कहेंगे, भाजपा सरकार बनाएंगे, चारों प्रत्याशियों को जिताएंगे, दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाएंगे, नरेंद्र मोदी